ਕਰਦੇ ادب ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਇਹ ਤਾਂਜ ਰੁਖ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਚੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਲਉ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ मैं ओही अखर सुनती रही बिजली दी लंबी लकीर सी छाती चो लंगी सी ए ता कुछ उसे दे टोटे मैं उंगलों तिनी रही तन ने चरखे बह के बदलां दी कपाह कती ये कुछ ओहि तागे ने जो खड्डी ते तंदी रही अमृता प्रीतम देश की एक महान साहित्यकार एक ऐसी लेखिका जो सामाजिक चेतना के लिए लिखती रही है अमृता जी का जन्म अविभाजित पंजाब के गुजरावाला गांव में 31 अगस्त उन्नीस को हुआ था आपकी माता राज जी का देहावसान आपकी अल्पायु में ही हो गया आपका लालन पालन आपके पिता श्री करतार सिंह हितकारी ने किया था आपके पिताजी का निधन उन्नीस में हो गया अमृता जी बचपन में अक्सर चांद में अपनी मां को ढूंढती और इसी से प्रेरित होकर आठ वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी बहुत छोटी थी छत पर जाती मां नहीं थी चांद को देखती तो लगता चांद में जो निशान है वो मेरी मां का नाम लिखा हुआ तो मैं सोचती हूं कि पहले अक्षर चांद से गिरे थे मेरे कागज पर तो उसी से छोटी-छोटी कविताएं लिखने लगी पहले पिताजी को दिखा लेती क्योंकि वो तो वक्त के माने हुए लेखक थे अमृता जी की पहली रचना जो उनकी कविताओं का संकलन थी ठंडिया किरणा के, के नाम से 1935 में प्रकाशित हुई शुरू में आपने पंजाबी में लिखा और बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया सबसे पहला प्रभाव जो मुझ पर पड़ा वो हमारे पंजाब के सूफी शायरों का था शाह हुसैन सुल्तान बाहू बुल्ले शाह और उसके बाद वारिशा। अमृता जी को अपने पिताजी के साय में कई महान साहित्यकारों से मिलने के अवसर भी प्राप्त हुए इन्हीं में से एक को याद करके अमृता जी बताती हैं मैं रविंद्र नाथ टैगोर से मिली थी जब मैं बहुत बच्ची थी वो लाहौर में आए थे और मेरे पिता मुझे ले गए थे उनसे मिलवाने अब मेरी पंजाबी जुबान तो उन्हें आती नहीं थी मुझे कहने लगे कुछ सुनाओ मैंने पंजाबी भी एक नजम कह दी ये अच्छा था कि वहां कोई बैठा हुआ था मेहरबान उसने पंजाबी नजम को अंग्रेजी में करके उनको बताया तो उन्होंने मुझे जो प्यार दिया वो अभी तक उसे महसूस कर सकती हूँ अमृता जी ऑल इंडिया रेडियो लाहौर जो अविभाजित भारत का एक रेडियो स्टेशन था उससे उन्नीस में जुड़ी और सबके मन में जगह बना बैठी अमृता जी की लघु कहानियों का पहला संकलन कुंजिया के नाम से उन्नीस में प्रकाशित हुआ उन्नीस में देश के बंटवारे के समय उन्हें दिल्ली आना पड़ा इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी अमर कविता अज आखा वार शाह की रचना की मैं तो वार शाह से ही कह सकती थी जिसने इस देश की मिट्टी में हीर और रांझे की मोहब्बत को किस मुकाम पर पहुँचा दिया कि आज घर घर में गाई जाती है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में भी लोग गाते हैं और रोते हैं रोते वो हमारा हमारा विरसा है। 1948 में एक बार फिर आप ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़ी और यहाँ आपने कई कार्यक्रमों का संचालन किया जिनमें आवाज की दुनिया के दोस्तों कार्यक्रम काफी सराहा गया वो बात एक हफ्ता बार प्रोग्राम की है जब मैं सुनने वालों के ख़तों के जवाब देती थी तो मुझे लगता है कि उन्हें मैं उन्हें बहुत करीब पाती और बड़े प्यार से उनसे बात करती उनके सवाल का जवाब देती और उन्हें मुखातब होती थी आवाज़ की दुनिया वालों इस तरह से अमृता जी के उपन्यास सुनहेड़े पर उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ आपको विदेशों में भी कई पुरस्कार मिले अमरीका के एक शहर में तो उनके नाम पर एक लेन का नाम भी अमृता प्रीतम लेन रखा गया है अमृता प्रीतम की रचना अज आखा वारशाहनु भारत के अलावा पाकिस्तान में भी काफी लोकप्रिय हुई है बारिश शाह भी अपने कलाम को रूहानियत के मुकाम पर ले जाते हैं जब कहते हैं सतर सतर बीबी हीर होई। हरफ, हरफ रंजे टड़ा यार हो इसका तो पंक्ति पंक्ति हीर है और एक एक हरफ रंजा हुआ कहने को दुनिया की दास्तान है लेकिन पहुंचती मार्फत के मुकाम पर है मुझे याद आता है एक बार पाकिस्तान से एक दोस्त आए मिलने तो उन्होंने थोड़े से केले मेरे आगे रख दिए है। मैं हैरान हुई ये क्या कहने लगी ये मेरी तरफ़ से नहीं है मैं आ रहा था तो एक केले बेचने वाला भागता हुआ आया मुझे कहने लगा तुम दिल्ली जा रहे हो हाँ कहता तुम अमृता से मिलोगे इनके जाहिर जरूर मिलूंगा कहते जिसने बारिश सन नज़म कही थी उनके हाँ मिलूंगा कहते ये अकेले उसे दे देना मैं यही दे सकता हूँ मैं समझूंगा कि मेरा आधा हज हो गया इस प्यार का मैं क्या करूं अमृता जी के लेख एवं कविताएं पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं यही नहीं उनकी रचनाएं आज भी पाकिस्तान में बी स्तर तक की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है हटाया है ते हर सड़क दी दिशा दा नाव पूंछ देता है पर जे तुसा मेनू लबड़ा है ता हर देश ते दे, हर शहर दी हर गली दा बूहा ठकोरो ए एक खराब है एक वर है ते जिथे भी स्वतंत्र रूह दी झलक पवे समझणा ओ मेरा कर है अपनी कृतियां प्रकाशित कराने के सिलसिले में वास्ता पढ़ने वाले लोगों संपादक प्रकाशक आदि के साथ अपने अनुभवों के बारे में अमृता जी बताती हैं। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे बहुत अच्छे प्रकाशक मिले हिंदी में राजपाल से शुरू किया और आज तक उनसे रिश्ता बना हुआ है बहुत अच्छा रिश्ता बड़े अदब अदाब का रिश्ता जैसे विश्वनाथ जी से और हिंद पॉकेट बुक में दीनानाथ जी से बना हुआ है शेखर जी से बना हुआ है किताब घर ने मेरी बहुत सी किताबें छापी हैं इनके पास संपादक बहुत अच्छे हैं जैसे हिंद पॉकेट बुक में थे नफीस सफरीदी उनसे मुझे बड़ी तसल्ली हुई थी जब वो एक एक बात पर एक गलती नहीं जाने देते थे मुझे पूछते इसी तरह राजपाल के पास महेंद्र कुल श्रेष्ठ बहुत नफीस संपादक हैं यानी लफज लफज की पहचान रखते हैं अमृता जी को उन्नीस में चित्रकार इंद्रजीत सिंह इमरोज का साथ मिला अमृता जी ने इमरोज के साथ मिलकर नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक मासिक पत्रिका नागमणि का प्रकाशन उन्नीस में आरंभ किया ये पंजाबी की पहली साहित्यिक पत्रिका है हमारी जबान में जो पूरे मैरिट पर लिखा जा रहा है उसको हाईलाइट करना और पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना क्योंकि नेगेटिविटी तो चारों ओर बरस रही है उसमें दोस्ती की बात करना अमन की बात करना और दूसरी ज़बानों से कुछ तर्जमा भी उसमें पेश करना जैसे मैं जिन देशों में भी गई हूँ हर देश की दस दस कविताएं मैंने तर्जमा की हैं अमृता जी को उन्नीस में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया उन्नीस में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको डीलेट की मानद उपाधि प्रदान की उन्नीस में बुल्गारिया की सरकार ने आपको राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया उन्नीस में आपकी चर्चित रचना रसीदी टिकट पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ पंजाबी भाषा के सबसे पहले रचनाकार के रूप में अमृता जी को ही यह सम्मान प्राप्त हुआ उन्नीस में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने, ने भी आपको डीलेट की मानद उपाधि से विभूषित किया आपको जबलपुर और बंबई विश्वविद्यालय ने भी एक रचनाकार के रूप में सम्मानित किया सन उन्नीस में अमृता प्रीतम की साहित्यिक उपलब्धियों की लोकप्रियता को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की 1987 में फ्रांस की सरकार ने आपको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य अकादमी ने 2000 में शताब्दी का काव्य पुरस्कार देकर दिल्ली ही नहीं भारत के साहित्य प्रेमियों को सम्मानित किया मैं पाकिस्तान के एक शायर की लंबी नज़म का एक थोड़िया जी सतर पेश करनी ए खुदा सब कहानियों और नज़मों में सच्चाई अमन और मोहब्बत उतार अदीबों की तहरीरों में असर बरकरार रख और उन्हें नई सच्चाइया लिखने का हौसला दे और महात्मा बुद्ध के दरख्त के नीचे मोहब्बत की गवाही को मोहतबर बना खुदा लालटेन की रोशनी में लिखी इस दुआ को कबूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आपको पंजाबी भाषा एवं साहित्य की विशिष्ट सेवा हेतु सम्मानित किया कारगिल युद्ध के समय जन चेतना के लिए अमृता जी ने अपनी रचनाओं में शांति और अमन की बात की है उन वादियों पहाड़ों पर जाना के जहां बर्फ की चोटियों पर अंधेरा उतर आया है आंखों में नफरत का अंधेरा हाथों में हथियारों का अंधेरा वो मिट्टी तुम्हें याद करती है तुम जाना और वहां कुछ किरने छिड़क देना आज देश की परिस्थितियों में स्त्रियों की दशा को देखते हुए अमृता जी बहुत भावुक हो जाती हैं। गुस्सा आता है तो हम आम लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्यों नहीं दे पाए अपने पसंद के लेखकों के बारे में अमृता जी ने कहा सबसे पहले तो ओशो का नाम लूंगी जिसे मैंने हर फर्क पढ़ा है फिर आप हिंदी की बात करेंगे तो मैं कमलेश्वर का नाम लूंगी जिन्होंने अभी अभी कितने पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ लिखी है जिस जिसे इतिहासिक चीज़ कहना चाहिए और पंजाबी में मोहनजीत की नजमें हैं अपनी अन्य रचनाओं के अलावा अमृता जी ने अपनी जीवनी भी लिखी है जीवनी लिखना आईने में खुद को देखना है तो खुद जैसे है उसमें आप अदर बदल नहीं कर सकते बहुत से लोग अच्छा दिखने के लिए लिखते हैं या कुछ इस तरह के प्रभाव देने के लिए मैंने वो नहीं किया मैं ख़ुद को देखना चाहती थी क्योंकि मेरी जो तलाश है मेरी जो जस्जूह है वो इनर एवोल्यूशन की है उस यात्रा में वो मुकाम आए जब पूरी कायनात को उसकी वाइब्रेशंस को मैंने कुछ झलक देखी है लेकिन और पूरी तरह देख पाऊँ सियासी तौर पर मैं समझती हूँ कि अपने देश में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जो ये नहीं रख रखाव रखते थे कि आम आदमी से ज़रा हट के बात करना है या ज़रा ऊंचे बैठ के बात करना है मुझे याद है एक औरत बड़े गुस्से में थी घर लूट गया था कुछ पास नहीं था उसने जवाहरलाल जी का कॉलर पकड़ लिया ये आजादी है जो तूने दी है तो जवाहरलाल जी ने कहा देखो हाँ ये आजादी है ये आजादी है इसलिए तुम प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ सकती हो <laughs> ओची मिन जब आए तो मुझे तारफ कराया किसी ने जब उन्हें पता लगा कि मैं नजम कहती हूं तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया अब मेरा माथा चूम कर कहने लगे हम दोनों सिपाही हैं तुम कलम से लड़ती हो मैं हथियार से अमृता जी अपनी कहानी कादंबरी पर बनी फिल्म के बारे में बताती हैं उसमें है। उस काम करने वाले भी बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि जितना मौका उनको मिला काम करने का उस तरह वो फिल्म को कैनवास पर नहीं उतार पाए जैसे माँ के ट्रेजिडी से ये सारी कहानी बनी तो वो ट्रेजिडी उन्होंने दिखाई नहीं अब बना रहे हैं पिंजर पर और मुझे तसली है कि बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं अमृता जी ने कई लोगों की रचनाएं प्रकाशित की पिछले दिनों उन्होंने एक पाकिस्तानी लेखिका के अनुरोध पर उनकी किताब दूसरे आदम की बेटी का संपादन किया ये भारतीय साहित्य के इतिहास में काफी सुखद घटना है। तौसीफ आपा पर ये जो किताब आई है खासतौर से मतलब दूसरे आदम की बेटी तो दूसरे आदम और पहले आदम को अलग किया है खुद तो आपा ने और मुझे लगा कि दूसरे आदम के हम सब हम सब संतान हैं और यह सही है कि वो पहली ही संतान है और हम उनके बाद की नहीं हैं लेकिन हैं दूसरे आदम की और इससे पहले भी और रही होंगी लेकिन वो हमारे सामने नहीं हैं और उनकी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं मैं बहुत सोचता रहा जब ये किताब कल रात मैंने पूरी पढ़ी मुझे ये लगा कि अमृता जी ने कितना बड़ा काम किया है मिले एजाज मिले मेडल मिले पढ़ाई में लिखाई में लोगों की तरफ से इदारों की तरफ से हुक्मरानों की तरफ से उन्होंने मुझे दूसरे आदम की बेहसाबादों की साथी समझ लिया इंटेलेक्चुअल्स में पहली बार मेरी शनाख्त, मेरी रिकग्निशन मुझे जो पहचाना है तस्लीम किया है अमृता जी दुनिया लिखती है अमृता प्रीतम के ऊपर अमृता प्रीतम ने मेरे लिए किताब लिखी है अफसल तोसीफ़ के लिए ये तो बहुत बड़ा सबसे बड़ा एहसास सबसे बड़ा ऑनर है जो अब तक की ज़िंदगी में मुझे मिला है जिंदगी के अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर अमृता जी अपने परिवार के बच्चों पर भी प्यार निछावर करती हैं अमन, मैं तुम दोनों बच्चों की एल्बम देख रही थी तो कुछ तो पहचान पाई कि कहाँ की है कुछ नहीं पहचान पाई तुम्हें याद है ये तस्वीर शिल्पी की है ना हाँ जी ये कहाँ की है ये तो आ, ये तो यहाँ की है घर में ही थी अपने घर में की है ना हाँ जी अच्छा और ये ये जो ऊपर वो बना नहीं था ना फ्लोर ये ऊपर छत की है ऊपर ये मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई कहाँ की है ये तो जब हम बॉम्बे में घूम रहे थे वहाँ की है ये तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कंधे पर पीठ पर उठाया हुआ था याद है हाँ जी हमने अंत में अमृता जी से जीवन और रचनाकार के रिश्ते के बारे में उनके विचार जानने चाहे तो उन्होंने कहा कलाकार का काम है सिर्फ यात्रा अंतर की यात्रा रास्ता चलते कोई आपको फूल देता है या पानी का प्याला दे देता है तो आप उसका शुक्रिया करते लेकिन रुकते नहीं नहीं देता तो कोई शिकवा नहीं करते किसी से मांगते नहीं जब मेरी ज़िंदगी तीन हिस्सों में बंटी हुई है जी। तलब सबसे पहले एक प्यास जग्ञासा जानने की दूसरी इश्क मोहब्बत दोस्ती और जिसमें कोई नेगेटिविटी शामिल नहीं होती और तीसरा मुकाम आता है मार्फत का जिसमें इंसान अपने को खोजता हुआ जैसे शाह हुसैन की लाइन है फकीरा आपे अल्लाह हो उस मुकाम तक पहुंचना। उस कायनाती हुसन तक पहुंचना जिसमें कोई जाति पाती मजहब कुछ बार सब छूट जाते हैं अमृता जी आज भी उसी सामर्थ्य और शिद्दत के साथ सृजनात्मक रचनाओं के क्षेत्र में कार्यशील हैं जैसे पहले हुआ करती थीं यद्यपि आयु का बंधन कभी कभी उन्हें विश्राम करने को बाध्य करता है फिर भी वर्तमान में आप गहन चिंतन एवं दरवेशी और मार्फत वाली स्थिति के संग जीती हैं और उसी रंग में आज भी उनका रचनाकार जीवित है सप्ना तू सच तु सप्ना